हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 9 के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कल पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं बहुपद क्या है, चर आश, फिर बहुपद की घात, बहुपद का मानक रूप, इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को। आज बताएंगे बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है ना, यानी बहुपद को कितने भागों में कैसे बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, देखिए बहुपद का जो वर्गीकरण है वो दो दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। देखिए पदों की संख्या के आधार पर पहला नंबर है आपका एकपदीय बहुपद, दूसरा है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ऐसे ऐसे चार पद होगा तो चतुर्थपदीय बहुपद हो जाएगा, चतुर्थ पदीय बहुपद, ठीक है ना। इस तरह से पांच पद होगा तो पांच पद वाला बहुपद, छह पद होगा तो छह पद वाला बहुपद, यन पद होगा तो यन पद वाला बहुपद हो जाएगा। अब देखिए घातों के आधार पर, ठीक है ना, देखिए घातों के आधार पर होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, चाहे एक घातीय बहुपद कहते हैं उसको, चाहे उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद यानी चार घात वाला, ठीक। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हम सब आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इधर यहाँ पे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे देखिए एक पद ही बहुपद में, जैसे 3x हो गया, इसमें एक पद है, ठीक ना, चाहे 2x3 हो गया, एक ही पद है, इसको एक पद ही बहुपद कहेंगे, ठीक ना। इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, द्विपदी मैंने दो का पद होना चाहिए, जैसे 2x+3 हो गया, देखिए दो पद हो गया ना, एक पद ही और एक पद ही, दो पद हो गया, चाहे इसे लिख सकते हैं 5x2+3, इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी दो पद है इसको दो पद ही कहेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद, जैसे देखिए त्रिघात बहुपद में तीन पद होगा, जैसे x2+5x+3, देखिए इसमें तीन पद है ना, इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ax2+bx+c है, इसको भी इसमें एक दो तीन पद है, इसको भी त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक ना। उसी तरह से अब इसका देखिए चतुर्थघात बहुपद, यानी इसमें जैसे देखिए x³+3x²+2x+5 हो गया, तो बताइए इसमें एक दो तीन चार पद है, तो इसको चतुर्थ पदीय बहुपद कह देंगे, इसमें पदों की संख्या चार है, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग घातों के आधार पर पढ़ेंगे, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में अब देखिए घात को देखते हैं, चर राशि की घात, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रैखिक बहुपद, जैसे ax+b हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद कह देंगे, चाहे 3x हो गया, 3x+2 हो गया, ठीक है, इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जिसमें घातों की संख्या क्या हो, अधिकतम घात यानी चार राशि अधिकतम घात दो, जैसे ax²+bx+c, देखिए इसमें चार राशि अधिकतम घात क्या है, दो है, तो इसको हम द्विघात यानी दो घात वाला बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसमें पदों की संख्या तीन है, उससे कोई मतलब नहीं है,
अगर पदों की संख्या इसमें तीन होता है तो त्रिपदी बहुपद होगा, ठीक है ना। आ यहाँ घात, वो घात हम देखते हैं, हमको पद से कोई मतलब नहीं है, हमको बस घात से मतलब है, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, इसमें तीन घात होता है, जैसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। इसमें देखिए इसमें पद एक्स की जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात तीन है ना, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। उसी तरह से इसका देख लीजिए, इसका मान लीजिए कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। चलिए इसमें भी एक्स घात अधिकतम क्या है चार, तो इसको क्या बोलेंगे चार घात वाला बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुपद का, बहुपद के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए और अभी इसके बाद हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। देखिए आज हम देखिए आप प्रश्नावली हम लोग पढ़ते हैं, जीआरटी का प्रश्नावली 2.1 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमको बता रहा है कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें पहला है, पहला में हम देख रहे हैं कि चर राशि का जो घातांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक घातांक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए यह बहुपद है, ठीक ना, यह बहुपद है। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से दूसरा हम देखिए y की पावर 2 है, ठीक ना, यानी यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह भी बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे बहुपद है। तीसरा बहुपद है क्योंकि इसका जो जो चर राशि का जो घातांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर राशि का घातांक जो है ये कर्णी में तो दिया है, इसका मतलब 1/2 घातांक होगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसका मतलब बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, यानी जो 3 कर्णी में टी है ना, जो तीसरा है वो बहुपद नहीं है, लिख दीजिए डायरेक्ट बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो जो टी का जो घातांक है लिख देंगे क्योंकि क्योंकि चर राशि का घातांक घातांक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। जब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो घातांक, जब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए चौथा नंबर देखिए y प्लस 2 अपान y को हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई के पावर माइनस 1। ये जब y ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी देख रहा है कि चर राशि का जो घातांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो हम लिख देंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक ना, बहुपद नहीं है। उसी तरह से पांचवा, पांचवा देखिए, पांचवा में x देखिए x y t दो तीनों चर राशियां हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि घातांक क्या है 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 50 है, यानी हम देख रहे हैं कि ये जो घातांक है वो क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। तो लिख देंगे कि चूंकि चर राशियों के घातांक, चर राशियों के घातांक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए बहुपद है, ठीक ना, बहुपद है, यानी ये वाला बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला बहुपद है, ऐसे कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है उसको लिखना है, ठीक है। पहला देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, कुछ नहीं तो एक मानते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक होगा। मैं
एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक बराबर लिख देंगे 1। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक हम देखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर ही ना, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, उसके आगे माइनस है तो चिन्ह के साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 1। तीसरा देखिए पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है गुणांक बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 हो जाएगा। अब चौथा देखिए, चौथा है कर्डी में 2x-1। अब इसमें कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है ना, जब एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो उसका गुणांक क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इसको लिख देंगे मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक बराबर 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर ये नहीं है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको एक्स स्क्वायर का भी गुणांक जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद मतलब दो पद वाला ठीक है, और 100 घात के एक पद यानी एक पद वाला, एक एक उदाहरण दीजिए हमको। क्या लिख रहा है देखिए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद लिख सकते हैं, द्विपदी व्यंजक को हम ऐसे लिख देंगे। देखिए दो पद वाला यानी दो पद में हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए घात क्या होना चाहिए, 35 घात होना चाहिए, तो हम एक्स का जो घात है उसको क्या बना देंगे 35। तो देखिए इसमें दो पद है और 35 घात है, ये आंसर हो गया। और दूसरा देखिए कह रहा है कि 100 घात का 100 घात 100 घात का एक पदी बहुपद चाहे व्यंजक, चलिए बहुपद लिख दीजिए एक पद ही बहुपद। हम इसको क्या करेंगे, एक पद लेंगे ना, जैसे हम लिख सकते हैं ए एक्स ठीक ना, या बी एक्स भी लिख सकते हैं, या सी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 5x लिख सकते हैं, चाहे 5y लिख सकते हैं, यानी एक चर हो एक पद हो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 100 घात होना चाहिए, तो जब चर रात से घात हो क्या होगा 100 हो जाएगा ठीक है, इसमें भी 100 लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसे नोट कर लीजिए और आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।